हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन है यूपीपीसीएल जेई की तरफ से। अभी हाल ही में यूपीपीसीएल जेई सिविल स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ऑफिशियल रिजल्ट और उसके साथ साथ कट ऑफ आउट कर दिया गया है। तो अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो चलिए पीडीएफ के माध्यम से आप सब अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका जो रिजल्ट होता है पीडीएफ के फॉर्म में आउट होता है। तो पीडीएफ पूरा हमारे पास है, उस पीडीएफ को रीड करेंगे, आप सभी को रिजल्ट आप सभी का दिखाएंगे, उसके साथ साथ कितना कट ऑफ गया है वो भी सारा चीज़ क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो में। पर उससे पहले डी एफ बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हों, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, करना मतलब है आप पॉलिटेक्निक के हैं, फिर आईटीआई के हैं, फिर बीटेक के हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट इसी प्रकार सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को आप सभी का रिजल्ट दिखाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिस आपके सामने आ चुका है। आवश्यक सूचना, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवश्यक सूचना, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत अवर अभियंता प्रशिक्षु जनपद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1 VS 2021 जेई सिविल प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 21 फरवरी 2022 को संपन्न ऑनलाइन परीक्षा CBT एवं रिस्पॉन्स की के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए दोनों पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन एवं नॉर्मलाइजेशन के उपरांत ऑनलाइन परीक्षा CBT में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता अनुसार निर्गत शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के दिनांक 19 अप्रैल 2022 को संपन्न अभिलेखों प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में निम्नवत है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हैं, क्या मतलब फाइनल रिजल्ट में आए हैं स्टूडेंट, उनका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल थे और वेट कर रहे थे इसका, तो अपना यहाँ से आंसर रोल नंबर मैच कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है तो आप इसका मतलब है फाइनल लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड है, आप सेलेक्ट हैं। ठीक है, तो यही स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, बहुत ही कम वैकेंसी थी, तो इतने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं फाइनल रिजल्ट में। और नीचे यहाँ पर लिखा है तदरांकित अभ्यर्थियों का चयन, वांछित अध्यतन जाति निवास प्रमाण पत्र शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने की प्रतिबंधित है। नोट में यह मेरिट लिस्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट, यद्यपि उपरोक्त परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन में सभी प्रकार की सावधानियां अपनाई गई हैं, फिर भी मुद्रण त्रुटि के लिए विद्युत सेवा आयोग सभी प्रकार के मूल चूक सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। पॉइंट नंबर थर्ड, उपरोक्त सूची में अनुक्रमांक के प्रकाशन मात्र से अंतिम रूप से सफल चयन किए जाने वाले अथवा नियुक्ति प्राप्त किए जाने का कोई अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर फोर, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता संबंधी अथवा अन्य कोई सूचना अभिलेख किसी भी स्तर पर गलत, असत्य, अपूर्ण पाए जाने पर अभ्यर्थ निरस्त कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट, चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए जाएंगे। तो लास्ट में चलिए हम बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क की। तो देखिए, ये ऑफिशियल कट ऑफ मार्क है आप सभी का UPPCL जेई सिविल स्टूडेंट के लिए। UR का स्टूडेंट का जो कट ऑफ गया है 170.449 गया है। EWS का जो गया है कट ऑफ 166.7 गया है। OBC का जो कट ऑफ गया है 167.854 गया है। SC का 151.702 गया है। एक्स सर्विसमैन का हैज, तो देख सकते हैं कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया है, क्योंकि 200 नंबर में से 170 नंबर लाना और नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब कट ऑफ के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात है। निगेटिव मार्किंग में 170 लाना 200 में से बहुत बड़ी बात है। तो कहीं मतलब कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गया। वैसे भी लड़कों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है टेक्निकल फील्ड में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन, एक नए अपडेट के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।